अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आई होप आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। आज हम अपनी वीडियो में एमएस एक्सेल में इस्तेमाल होने वाले फंक्शंस के बारे में बात करते हैं। तो आइए चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले है हमारे पास सम का फंक्शन। तो हम एमएस एक्सेल पे जाएंगे, ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद मैं आपको सम का फंक्शन बताता हूँ। सम का फंक्शन होता है नंबर्स को सम अप करने के लिए, यानी कि टोटल करने के लिए। मिसाल के तौर पर देखते हैं, अब हमने यहाँ कुछ नंबर्स को टोटल किया, नंबर्स हमारे पास मौजूद हैं। अब हमने क्या करना है, सम करना है इन्हें। सम किस तरीके से कर सकते हैं आप? सबसे पहले आपने इसका फॉर्मूला याद रखना है, इजिकल टू एसक्यूएल सम ब्रैकेट ओपन, और इसके बाद आपने तमाम नंबर्स को सेलेक्ट करना है और एंटर का बटन। सॉरी कुछ मिस्टेक हो गया हमारे फॉर्मूले में, हम दोबारा ट्राई कर रहे हैं। सीयूएम सम ब्रैकेट ओपन, और तमाम नंबर्स को आपने सेलेक्ट करना है और एंटर प्रेस कर देना है। तो ये देखें, हमारे पास टोटल नंबर्स ऐड होकर आ गए कि हमने किस तरीके से इनको सम किया। आप इसको देखिएगा और खुद भी घर में प्रैक्टिस कीजिएगा। अच्छा, ये है हमारा सम फंक्शन। ठीक है, अच्छा, एक और चीज़ है, एक है हमारी मिनिमम फंक्शन। ठीक है, मिनिमम फंक्शन किसे कहते हैं? कि लिस्ट में मौजूद सबसे छोटे नंबर को देखना, जैसे कि अच्छा, अब हम यहाँ पे अगेन मिनिमम फंक्शन का फॉर्मूला यूज करेंगे, इज इक्वल्स टू एन ब्रैकेट ओपन, और आपने इस पूरी लिस्ट को सेलेक्ट कर लेना है जहाँ से आप मिनिमम नंबर को मिनिमम नंबर के बारे में जानना चाहते हैं। यहाँ पे हमने एंटर किया तो हमें ये मालूम चला कि इस पूरी लिस्ट में जो सबसे छोटा नंबर है वो है 3। चले, अब हम आते हैं मैक्स फंक्शन की तरफ। मैक्स मतलब मैक्सिमम फंक्शन, के तमाम फंक्शंस में नंबर्स में सबसे मैक्सिमम नंबर कौन सा है। तो हम कोई नंबर्स ले लेते हैं। अच्छा, अभी यहाँ पे एक क्लियर है इस लिस्ट में कि 7 हमारे पास सबसे स्मॉलेस्ट सॉरी सबसे जो मैक्सिमम हाईएस्ट नंबर हमारे पास है वो है 888। क्लियर है ये? तो अब हम फॉर्मूले के ज़रिए देखेंगे कि हमारे पास क्या सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। इज इक्वल्स टू एम ए एक्स, और ब्रैकेट ओपन करना है आपने इस पूरी लिस्ट में से जहाँ से आप मैक्सिमम नंबर को तलाश करना चाहते हैं, सेलेक्ट करेंगे, एंटर दबा देंगे, ये हमारे पास है रिजल्ट। तो इस तरीके से आप मैक्सिमम मिनिमम और सम फंक्शंस को यूज़ करते हैं। और याद रखिएगा, ये हमारे पास बहुत कम नंबर्स हैं। अगर हम यहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ नंबर्स हमारे पास मौजूद हों तो तब किस तरीके से आप इसको सम अप करेंगे। तो मैं एक और चीज़ भी आपको बताना चाहता हूँ, जैसे ही आप यहाँ पे कोई चेंजेस करते हैं, मिसाल के तौर पे 888 से बड़ा नंबर अगर हम यहाँ पे इन करें, तो उसके बाद आप देखिएगा हमारे पास रिजल्ट्स भी चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे देखें, अगर हम इसको 300 एक और नंबर ऐड कर देते हैं, यानी कि हम 1 कर देते हैं, तो 450 होना चाहिए। तो ये देख सकते हैं आप, अगर हम यहाँ पे एक छोटा नंबर ऐड कर दें 2, तो अब आपको यहाँ पे रिजल्ट्स चेंज मिलेंगे। तो ये होते हैं मैक्सिमम मिनिमम और सम फंक्शन। अच्छा, एक और है हमारे पास, उस फंक्शन को कहते हैं काउंट फंक्शन। काउंट फंक्शन क्या है बेसिकली? काउंट फंक्शन हमें ये बताता है कि किस तरीके से एक ही कॉलम में हमारे पास कितने नंबर्स सेट्स ऑफ नंबर्स हैं। मिसाल के तौर पे
अगर हम यहाँ तक काउंट करें तो हमारे पास कितने कितनी तादाद में नंबर मौजूद है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हमारे पास 10 रिज़ल्ट हमें हमारे पास आना चाहिए। तो हम इसका फॉर्मूला यूज़ करेंगे काउंट का, इज इक्वल्स टू काउंट ब्रैकेट ओपन, जिस लिस्ट में से आप नंबर्स को काउंट करना चाहते हैं वो लिस्ट सेलेक्ट कर लीजिए। ये देखिए आपके पास रिज़ल्ट आ गया 10। अगर यहाँ से भी आप यही फंक्शन लेना चाहते हैं तो आपने काउंट करना है, सॉरी यहाँ पे आपने फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला लिखने के बाद आप देखें यहाँ पे 9 फिगर्स हैं और यहाँ पे 10 सेट्स ऑफ नंबर्स हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। तो ये हैं एमएस एक्सेल में इस्तेमाल होने वाले हमारे फंक्शंस, तो जो कि आपकी बुक में भी मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। ये थे हमारे पास फंक्शंस जो कि एमएस एक्सेल में इस्तेमाल होते हैं, जिसकी प्रैक्टिस अभी हमने की। तो अब हम चलते हैं कुछ अपने प्रीवियस टॉपिक्स की तरफ, उनको डिटेल में हम देखते हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं यहाँ पे, देखिए कुछ हमारे पास शीट्स बनी हैं कि जिसमें आपको मालूम होगा कि हर महीने कितने कितने एक्सपेंसेस हम करते हैं, उसकी डिटेल्स आप रख सकते हैं। तो ये किस तरीके से करते हैं ये मैं आपको बताते चलता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्सपेंडिचर ईच मंथ, हर महीने के अखराजात। तो जनवरी का मंथ है हमारे पास और हमारे पास पैसे हैं 3000 रुपीज़, और ये हमारे पास हमारी पॉकेट मनी है जो हमें हर मंथ मिलते हैं। ये है मंथ्स, तो हर मंथ्स की डिटेल्स हैं। अब हमें ये मालूम करना है कि हमारे पास 3000 रुपये जो मौजूद थे जनवरी के मंथ में, उसमें से हमने कितने पैसे कहाँ कहाँ खर्च किए। सो 200 रुपीज़ हमने बुक्स पर, 1000 रुपीज़ क्लोथ्स पर, 1500 फूड पर। इसी तरीके से बाकी मंथ्स की डिटेल्स भी आपके सामने हैं। अब आपने सबसे पहले तो ये मालूम करना है कि आपने टोटल कितने पैसे स्पेंड किए। तो स्पेंड करने का बहुत आसान फार्मूला है, आपने जहाँ जहाँ पैसे खर्च किए उन तमाम पैसों को आपने सम कर लेना है, यानी कि टोटल कर लेना है। यहाँ पे फार्मूला यूज़ होगा सम का, इज इक्वल टू सम, और आपने यहाँ पे अपने जनवरी के इस जो एक्सपेंस है उसको आपने यहाँ पे देखना है। तो दैट मींस कि हमने जनवरी के मंथ में 2700 रुपीज़ स्पेंड किए, यानी कि खर्च किए। तो इसी फॉर्मूले को सेम हम कैरी ऑन करेंगे, माउस को यहाँ पे लाके ये प्लस का साइन आपके पास मौजूद होगा, यहाँ से आपने नीचे ड्रैग कर देना है, आपके पास ऑटोमेटिकली फार्मूला जनरेट हो जाएगा। अब हमें ये मालूम करना है कि हमने कितने पैसे सेव किए। 3000 रुपये हमारे पास थे, हमने 2700 रुपीज़ खर्च किए, दैट मीन्स कि हमने 300 रुपये सेव किए। अब आप क्या करेंगे, जो आपके पास टोटल पैसे जो अमाउंट मौजूद था, आपने उसमें से अपने स्पेंड खर्च होने वाले पैसों को माइनस कर देना है। कैसे करेंगे, इज इक्वल्स टू आपने पहले अपने टोटल जो आपके पास अमाउंट था उसको सेलेक्ट करना है, फिर माइनस का साइन यूज़ होगा, उसके बाद आपने टोटल स्पेंड को माइनस कर देना है, और यहाँ पे आपके पास 300 रुपीज़ में आंसर मौजूद है। इसी तरीके से आप इसको ड्रैग कर देंगे, ये फार्मूला आपके पास यूँ मौजूद हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ये मालूम कर सकते हैं कि हर महीने आपने कितने पैसे खर्च किए और कहाँ कहाँ खर्च किए। तो इस तरीके से ये शीट हम बनाते हैं। तो अब हमारे पास आपको एक और चीज़ एक और शीट की तरफ लिए चलते हैं, जो कि हमारे पास है रिजल्ट्स की, जिसको आप कह सकते हैं मार्कशीट भी कह सकते हैं। हमारे पास 3 स्टूडेंट्स हैं जिनके जीआर नंबर या रोल नंबर कह सकते हैं, 1 2 3, नेम्स भी हैं अली जैद बासित, इनके मार्क्स की डिटेल्स भी मौजूद हैं, उर्दू सब्जेक्ट कंप्यूटर एंड साइंस इस्लामियात। तो टोटल नंबर्स हैं 100 मार्क्स ईच सब्जेक्ट के हैं, तो टोटल नंबर्स हैं 400। अब आप इसको किस तरीके से सम करेंगे, तो यहाँ आप देख सकते हैं आपने ऑब्टेन मार्क्स यानी कि हासिल कर दिया नंबर। सम का फॉर्मूला अगेन यूज होगा, SUM सम ब्रैकेट ओपन, इन तमाम नंबर्स को आपने चूज कर लेना है, एंटर का बटन प्रेस करेंगे, इसी फॉर्मूले को ड्रैग कर देंगे, या हमारे सामने रिजल्ट।